हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी का पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं, सो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। देर आर सम अदर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक ऑफ। विच ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स अप्लाई मेनली टू डेमोक्रेसी? विच ऑफ दीज कैन अप्लाई टू मिसयूज ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? विच ऑफ दीज डू यू अग्री विद? सो यहाँ पे हमने इतने सारे जो अभी पॉइंट्स पढ़े हैं, तो उसमें से पूछा है कि कौन कौन से जो है जो कि आपको गलत लगते हैं या फिर कौन कौन से जिनके साथ आप अग्री करते हो। सो क्लियरली डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। इट हैज नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब क्लियरली हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है हमारी प्रॉब्लम्स का। अगर हम देखें हमारी खुद की जो कंट्री है उसमें आज तक भी पॉवर्टी को एंड नहीं किया गया है। इफ यू डोंट नो, अभी अभी जो लोग कोरोना वायरस से अफेक्टेड है उन लोगों के लिए बहुत बड़े अमाउंट में जो फूड है वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है थ्रू दी राशन शॉप्स। अगर हम उनके स्टैटिस्टिक्स की माने तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने अभी अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया है कि हमारी 80 करोड़ पॉपुलेशन, आई एम रिपीटिंग, 80 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो बिलो पॉवर्टी। ओके, सो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे कंट्री की पॉपुलेशन इज 135 करोड़। 135 करोड़ में से 80 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो जस्ट इमेजिन कि 50% से भी ज्यादा लोग हमारे देश में बिलो पॉवर्टी लाइन। ओके, एंड अभी कोरोना वायरस की वजह से ये 10 करोड़ और इंक्रीज हो जाएंगे, यानी कि अब 90 करोड़ पीपल जो होंगे वो बिलो पॉवर्टी लाइन होंगे इंडिया में। ओके, सो इट इज सच अ बिग नंबर। सो डेमोक्रेसी की वजह से अभी तक भी हमारी जो कंट्री है उसमें पॉवर्टी को हम क्लियर आउट नहीं कर पाए हैं। डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर्स दैट पीपल टेक देयर ओन डिसीजन। सो अगर हम जो डेमोक्रेसी है, अगर हम इस फॉर्म की बात करें, अगर हम इस गवर्नमेंट की बात करें, तो डेमोक्रेसी सिर्फ ये इंश्योर करती है कि जो लोग हैं वो अपनी गवर्नमेंट के जो डिसीजन हैं वो खुद लेते हैं। जो डेमोक्रेसी है वो पीपल के डिसीजंस को प्रमोट करती है। दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजंस विल बी गुड। पीपल कैन मेक मिस्टेक। इन्वॉल्विंग द पीपल इन दीज डिसीजंस डज लीड टू डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। इट इज ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप। समटाइम्स दैट कैन सेट बैक बिग डिसीजंस एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट्स एफिशिएंसी। अब हमारे को पता है कि इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं वो 5 ईयर्स के लिए होते हैं, तो हर एक गवर्नमेंट जो होती है वो यही कोशिश करती है कि उसका जो बजट है वो 5 ईयर्स के आसपास का ही हो, ताकि उसको आगे भी परफॉर्म करने में हेल्प मिले। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको चाइना की बात बताता हूं, तो जैसे आप लोगों को पता है कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, तो जब भी वो लोग रोड्स को बिल्ड करते हैं, तो रोड्स को बिल्ड करते हुए या फिर किसी भी स्ट्रक्चर को बिल्ड करते हुए दे थिंक ऑफ 25 to 30 years। उनकी जो सड़कें हैं वो 25 से 30 साल तक चलती हैं, ठीक है, 25 से 30 साल तक उनकी जो सड़कें हैं वो खराब नहीं होती है। बट आप सभी लोग इंडिया की रोड्स में काफी टाइम से ट्रेवल कर रहे हैं और आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में जो रोड्स होती हैं वो हार्डली भी 2 or 3 years के लिए ही सर्वाइव कर पाती है, उसके बाद दोबारा से हमें उसकी डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो रोड्स कुछ इस तरीके से ही बनाती है कि वो 2 to 3 years ही काम करे एंड देन इसके बाद वो खराब हो जाए, ताकि लोगों के सामने ये प्रॉब्लम रखी जाए कि अगर आप लोग हमें जिताएंगे तो आपके एरिया की जो रोड्स हैं, हाईवेज हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं, हम उनको और भी बेटर कर देंगे। बट द क्वेश्चन इज कि अगर हमारी नेबरिंग कंट्रीज 25 टू 30 इयर्स का प्लान बना सकती है, 25 टू 30 इयर्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्ड कर सकती है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? व्हाट इज द प्रॉब्लम? ठीक है, सो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि बिग डिसीजंस जो होते हैं वो बहुत अफेक्टेड रहते हैं, एफिशिएंसी गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा अफेक्टेड रहती है, क्योंकि ये एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही चुने जाते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट पैराग्राफ वी हैव, दीज आर्ग्यूमेंट्स शो दैट डेमोक्रेसी ऑफ द काइंड वी सी मे नॉट बी द आइडियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, बट इट इज नॉट अ क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ। The real question we face is different.
इज डेमोक्रेसी बेटर देन द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर देयर फॉर अस टू चूज फ्रॉम. अब हमने देख लिया कि जो डेमोक्रेसी है उसके कुछ अच्छे फीचर्स हैं, हमने ये भी देखा कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में भी कुछ ड्रॉबैक्स हमें दिखाई देते हैं. लेकिन हमें जो हमारा क्वेश्चन है वो ये नहीं होना चाहिए कि जो डेमोक्रेसी है उसमें कुछ लिमिटेशंस या फिर लिमिटेशंस जो हैं वो है या नहीं. हमारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्या हमारे पास डेमोक्रेसी से बेटर और कोई रास्ता है अपनी गवर्नमेंट को बनाने का. सो अभी तो सर्टेनली नहीं है. अगर हमारे पास डेमोक्रेसी है और इसमें कुछ लिमिटेशंस भी है तो हमें न्यू फॉर्म ऑफ एनी काइंड ऑफ यू नो जो मैकेनिज्म है हमें तैयार करना पड़ेगा जो कि डेमोक्रेसी से भी बेटर हो. लेकिन जब तक वो मैकेनिज्म तैयार नहीं होगा तब तक हम सर्टेनली कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो बेस्ट वे आउट है किसी भी गवर्नमेंट को फॉर्म करने का, किसी भी कंट्री को रन करने का.